आज से 152 साल पहले हमारे देश में एक ऐसे सन्यासी ने जन्म लिया था जिसने समूची दुनिया को भारत की प्राचीन ज्ञान की रोशनी से जगमग कर दिया। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म कोलकाता में हुआ था। 150 साल में वक्त बदल गया, विरासत और सियासत बदल गई। एक गुलाम मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताएंगे जो शायद आपको आज तक ना पता हो। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी जी ने कहा, आई एम फाइन, थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? तब स्वामी जी ने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के भी सामने शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होता हो? यहां तक कि जो भी विदेशी मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं वो अपनी ही भाषा में काम करते हैं, या भाषण भी देते हैं तो फिर उनके अनुवादक हमें हमारी भाषा में या इंग्लिश में अनुवाद करके हमें समझाते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में काम करने की क्या ज़रूरत है? अब सुनाती हूँ आपको स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा ही एक दूसरा किस्सा। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया कि अरे यह कैसी संस्कृति है आपकी, तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट कर रखी है और कोट पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है। इस पर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। तो चलिए बात करते हैं अब स्वामी जी के जीवन में सच्चे पुरुषार्थ की। एक विदेशी महिला स्वामी जी के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी बोले, क्यों, मुझसे क्यों? क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूं? तो इस पर औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूँ, और ये तब संभव होगा जब आप मुझसे शादी करेंगे। तो इस पर स्वामी जी बोले, हमारी शादी तो संभव नहीं है, परंतु हाँ एक उपाय है। तो औरत बोली, क्या? तो स्वामी जी बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ, आज से आप मेरी माँ बन जाओ, आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत स्वामी जी के चरणों में गिर गई और बोली, आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं, इसे कहते हैं पुरुष, और ये होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वो ही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले किस्से की ओर। एक बार स्वामी जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। तो एक पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? तो स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों के जल से अच्छा है। तो पत्रकार ने फिर पूछा,
स्वामी जी आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। तो इस पर स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है गंगा नदी है, गंगा हमारी माँ है और उसका नीर जल नहीं है, अमृत है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। तो ये थे स्वामी जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य, और ज़रूर ये किस्से सुनकर आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। ऐसे और भी रोचक तथ्य और किस्से मैं लेकर आती रहूँगी, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये किस्से अगर आपको पसंद आए हो तो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।